नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। इसके पहले हमने क्लास नाइन्थ की जो ज्योग्राफी हमने शुरू की थी उसके चैप्टर वन करने के बाद चैप्टर टू में पार्ट वन हमने कर लिया है। पार्ट टू और थ्री हमें अभी करना बाकी है, जिसमें आज हम अभी पार्ट टू करने वाले हैं। और पार्ट वन में जो हमने ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, जो कि प्लेट टेक्टोनिक, महाद्वीपीय विस्थापन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये तीनों सिद्धांतों के बारे में जाना था कि इसमें क्या क्या बताया गया है। साथ ही जो है जो पृथ्वी के विकास की प्रक्रिया में कैसे कैसे महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, उत्तर की दिशा में वो कैसे कैसे विस्थापित हुए, इन सब चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। आज हम भारत के भौगोलिक वर्णन को जानेंगे, उसमें कौन कौन सा सब डिवीज़न है उसे जानेंगे। पेज नंबर 9 से हम शुरू करने वाले हैं आज यहाँ से। तो इन सबसे पहले जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है इससे होगा क्या कि आपको जो रिसेंट अपडेट होगा, यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो रिसेंट अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले भौगोलिक वितरण का मतलब क्या है ये जान लीजिए। भौगोलिक वितरण का मतलब है कि किसी खास प्रदेश में या किसी क्षेत्र में या किसी देश में या किसी राज्य में कितने तरह के भौतिक बनावट हैं, जो कि भौतिक बनावट का मतलब है कि प्रकृति के द्वारा जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, तो वो सारी आकृतियों के बारे में पढ़ना है हमें। तो भारत को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 6 प्रकार की प्रमुख भौतिक जो है बनावटें जो है भारत में पाई जाती है, जिसके अंतर 6 प्रमुख है, उसके अंतर्गत बहुत सारे हो सकते हैं, उसके सब डिवीज़न हो सकते हैं, पर 6 जो जनरली जो है रखा गया है। ठीक है, तो वहीं हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं आज का। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए ऊपर चलना है वापस। यहाँ पे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। अब इसमें जो है सबका सब डिवीज़न आपको मिलेगा, इसमें भी 3-4 मिलेंगे। 3 तो प्रमुख मिलेगा जो हिमालय का वर्गीकरण करेंगे, उसके अलावा भी जो काराकोरम वगैरह है, वो पामीर ग्रंथि है, ये सब भी जो है, पामीर तो वैसे पठारी क्षेत्र है लेकिन जो काराकोरम है वो भी एक पर्वत श्रृंखला ही है, लेकिन वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय के उत्तर में है, तो वो भी है। इसका जो सब डिवीज़न होगा, इसमें भी सब डिवीज़न है, इसमें भी सब डिवीज़न है, सभी का लगभग सब डिवीज़न होता जाएगा। ठीक है, तो हम हिमालय से शुरू करेंगे और आज जो है हम हिमालय और जो जितना हो सकता है, चलिए वो अब हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कितना कहाँ तक हम पढ़ना है हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वल्लित अर्थात फोल्डेड पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है, यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। मतलब कि एक असम का मतलब होता है कि एक सा नहीं, मतलब बहुत सारे स्वरूपों में। ठीक है, इसे असम राज्य मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैली है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आकार है हिमालय का वो किस प्रकार का है, तो अर्धवृत्ताकार है, याद रखिएगा। दूसरी बात, यह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु नदी यहाँ पर है, देखिए, मतलब कि जो भारत का वेस्टर्न हिस्सा है एकदम यहाँ से छोड़ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से लेकर जो पूरा ईस्टर्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश तक, ब्रह्मपुत्र वहीं पे भारत में एंट्री करती है, तो वहाँ तक जो है इसका विस्तार है। दूसरी बात कि इसमें इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, और जबकि चौड़ाई जो है कश्मीर में ज़्यादा होगी और अरुणाचल प्रदेश में कम होगी, तो 400 और यहाँ पे 150। तो ये खैर वैसे पूछेगा नहीं, जनरली ये पूछेंगे नहीं फैक्चुअल, लेकिन ठीक है, हम एक बार पढ़ रहे हैं तो इसको साथ में गो थ्रू हो ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए, ये जो है यहाँ पे दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें हैं काम की हमारे, तो हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सबसे उत्तर में है क्या है, काराकोरम है,
लद्दाख रेंज है, ये अलग अलग रेंज है, इसे हिमालय के साथ आप मत जोड़िएगा। हिमालय तीन है, वो अलग है और ये अलग श्रृंखला है, ठीक है। और यहाँ पे पामीर ग्रंथि है, ये जो है एक गांठ मानी जाती है, प्रकृति के द्वारा एक गांठ बनाई गई है, और उसके अलग अलग क्षेत्र में यहीं से जो है, यहाँ पे इधर हिंदू कुश है, इधर कुनलून है, इधर जो है काराकोरम और हिमालय वगैरह है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। और ये देखिए जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई है भारत में, और ऐसे देखिए यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ कम हुआ है, यहाँ पे और कम हुआ है, यहाँ पे और, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम, यहाँ पे और ज़्यादा कम, यहाँ लगभग विलुप्त होने की स्थिति में आ गई है। तो वही बताया गया कि यहाँ पे लगभग 400 किलोमीटर है, और यहाँ पे 150 के आसपास तक आकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ यहाँ पे दी गई है, जो झील वगैरह है या फिर जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें हमें क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है, वो आगे आने वाला है। वहाँ पे एक टेबल दी हुई है किताब में, वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी श्रृंखला की हाइट कितनी है, और उसमें से हमें कुछ याद करना है। जैसे कि नामचा बरुआ है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ देता है, जैसे जो जो हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा है यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो है एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट ये रहा, ये हमें याद रखना है। एवरेस्ट वैसे इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमें याद रखना है, कंचनजंगा इंडिया में है और ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये लगभग जो है 8,598 है, ठीक है, कंचनजंगा। और एवरेस्ट कितना है, 8,848, कहीं कहीं पे 50 भी मिलता है, 8,850। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं आएगा, एक ही कोई आएगा, ठीक है, या तो 8,848 या 8,850, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गारो खासी जयंतिया है, ये मेघालय की पर्वत श्रृंखला है, जो कि वहाँ के जनजातीय समूह के नाम के आधार पर रखी गई है, और बाकी सब नदियों का जो है दिया हुआ है, ये वैसे भी हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं, तो यहाँ पर रिपीटेड करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसका पूरा डायग्राम है, हम ऊपर का हिस्सा देख ही चुके थे। इसमें जो देखिए, जिस जो काम की चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन जनरली बनता है, वो कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। एक तो जो ये विंध्याचल है और नीचे है सतपुरा, इसके बीच से दो नदी बहती है, एक तो ताप्ती है ये, और एक नर्मदा, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, ये अक्सर जो है फैक्ट पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद क्या रखने वाला है कि साउथ की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अनाई मुड़ी, ठीक है। अनाई मुड़ी जो है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है, उसका हिस्सा है, ये 2,695 मीटर ऊंचा है, 2,695, 2,695। और दूसरा है डोडा बेटा, डोडा बेटा है नीलगिरी रेंज में, ठीक है, ये था अन्नामलाई में पहला, ये फर्स्ट रैंक है, और ये सेकेंड रैंक है डोडा बेटा, डोडा बेटा है नीलगिरी में, ठीक है। तो डोडा बेटा को आप छोटा बेटा याद रखिएगा, तो छोटा बेटा से आपको याद रहेगा कि साउथ के छोटी पर्वत श्रृंखला दूसरी सबसे बड़ी डोडा बेटा है, और अनाई मुड़ी सबसे बड़ी है, छोटा बेटा कर दीजिए डोडा बेटा को, तो याद रहेगा कि ये छोटा है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये याद रखिएगा, महेंद्रगिरी, ये पूर्वी तट की सबसे जो है ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, या पहाड़ी क्षेत्र मानी जाती है, ठीक है। और इसमें जो है कोई विशेष वो नहीं है, कोंकण तट है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे गिर पर्वत श्रृंखला है, तो ये पश्चिमी घाट का है, इसे मालाबार तट कहते हैं, ये रहा मालाबार तट, इधर इधर होगा कोरोमंडल, तो इसको म और क से याद रखिएगा, ये म है और ये क है, ये उत्तरी सरकार है, ये भी मैदानी क्षेत्र है, तो जब मैदान हम पढ़ेंगे तो वैसे भी आने ही वाला है आगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करके हम जो बहुत आवश्यक बातें हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पूर्वी जो है अलग अलग गुणों से संपन्न है, अलग अलग वहाँ पर नदियाँ भी हैं, बहुत सारी इम्पैक्ट भी हैं अदर, ठीक है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है, सबसे उत्तरी भाग की स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय
हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है तथा 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। ठीक है, हिमालय के इस भाग को क्रोट ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेनाइट का बना हुआ है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखिए हिमालय को जो वर्गीकृत किया जाता है वो तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ऊपर आते हैं, जैसे इसको मान लीजिए कि तीन भागों में जब वर्गीकृत करेंगे तो एक हो गया महान हिमालय, एक होता है हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक। शिवालिक जो है मैदानी क्षेत्रों से मिलती जुलती है, तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा और ये उससे कम होगा और ये सबसे कम है। तो इसमें जो है इसकी औसत हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी औसत हाइट जो मानी जाती है लगभग 6000 मीटर मानी जाती है, जो महान हिमालय है, इसको महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न हिमालय इसको, या हिमाचल हिमालय। ठीक है, और इसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, ये ऐसे फैला हुआ है तीनों लाइन से, तो याद रखिएगा तीनों का क्रम, और यहाँ से जो है इसके बाद से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको बोला था कि जो ऊँचे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका जो है एक लिस्ट दिया हुआ है, ये रहा वो लिस्ट, इसको जो है आप एक बार देख लीजिए। इसमें से ऊपर के बस दो याद कर लीजिए, और नामचा बड़ुआ जैसे पूछा जाता है फेमस है ज़्यादा, तो ये याद कर लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दो, यहीं दो तीन, 1-2 याद रखिए, वो भी काफ़ी है, उससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक फैक्ट कि महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों तथा दरों का नाम, वो पिछले पेज पे जो डायग्राम था उसमें दिया हुआ है, और भारत के उन राज्यों का नाम बता जहाँ से ये पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगला हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 के बीच होता है, औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर, जबकि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, और यह महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधार महाभारत श्रृंखला भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब जो है इसमें दो तीन चीज़ें नई आई हैं, अब सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये मतलब कि ये पीर पंजाल कहाँ से आ गया। ठीक है, और धौलाधार रेंज कहाँ से आ गया, महाभारत रेंज कहाँ से आ गया। तो ये तीनों हिमालय का ही हिस्सा है, और जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे डलहौजी वगैरह में आप जाएंगे, जैसे मैं वहाँ गया हूँ, तो वहाँ पे पीर पंजाल रेंज है, और फिर महाभारत रेंज जो है नेपाल में है, धौलाधार भी है यहाँ पे हिमाचल में ही। तो ये जो है तीनों को दिया गया है कि इनका इनके इनके बारे में बताया गया है, तथा कश्मीर की जो घाटी वोटी है तो उसके बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की गई है कि कश्मीर की घाटी के साथ जो है इनका विस्तार उपस्थित है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे ऊपर की जो ये बात हो रही है यहाँ पे कि पहाड़ी नगरों का विकास, जो जैसे होता ना कि किसी मैदानी क्षेत्र के में पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बीच में कहीं कहीं पे मैदानी क्षेत्रों का भी विस्तार हो जाता है, तो उसी के बारे में वहीं पे जो है पर्यटन के लिए केंद्र जो है सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की जाती है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है रोज़गार मिल सके। तो जैसे ऊपर देखिए कौन कौन सा नाम है, यहाँ पे देखिए एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें, रानीखेत की स्थिति देखें, तथा उन राज्यों का नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। ठीक है, तो ये सब जो है उत्तराखंड का है, तीनों मसूरी और नैनीताल और रानीखेत तीनों उत्तराखंड में है। चलिए आगे लिखा है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जैसे अभी हमने समझा भी था। इसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में मध्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये बात समझ रहे हैं आप, यहाँ पे जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो मैंने बताया था कि जो इसके पहले वाले वीडियो में कि एक हिस्सा जो है
जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और नीचे के प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है उसके बीच का हिस्सा धस गया था। धसने के बाद जब नदियाँ ऊपर से हिमालय के क्षेत्रों से प्रवाहित होकर जैसे गंगा वगैरह यमुना वगैरह आई, तो ये इन्होंने जो है अपने साथ वहाँ से पत्थर और जो है मिनरल्स वगैरह लाए, मिट्टी के टुकड़े लाकर यहाँ पे जमा करते गए। धीरे 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 करके ये मैदान विकसित हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये देखिए असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ये घाटियाँ बर्जरी और जलोढ़ मिट्टी के परतों से ढकी हुई है, मतलब कि जो मिनरल्स लाए गए उन्हीं से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसे दून के नाम से जाना जाता है, तथा तो कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटले दून, पाटली दून, ठीक है। जो मतलब कि वहाँ पे अगर कोई मैदानी क्षेत्र छोटे मोटे एरिया में डेवलप हो गई है तो उसे दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के मध्य के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, ठीक है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया है, मतलब कि एक तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण के तरफ वर्गीकृत जो हमने किया था तीन हिस्सों में, और एक वर्गीकरण होता है पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो है कैसे करेंगे, तो इसको जान लीजिए। ये पूरा पैराग्राफ उसी पे है, मैं इसे बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आराम से मैं समझा सकता हूँ। एक तो है चार हिस्सों में इसे किया गया है, जान लीजिए। एक तो है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, कौन कहाँ है क्या है मैं ये अभी बताऊंगा, थोड़ी सी बस पेशेंस रखिए आप। नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय जो है सतलज से लेकर सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है। मैप में आप देखिए कि वहाँ पे ये कहाँ पे है, तो सिंधु मैंने दिखाया था, सिंधु के जो जस्ट जो है और ईस्ट में आएंगे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे जो है सतलज नदी है, सिंधु से सतलज के बीच में। जैसे ये अगर भारत का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ से जो है सिंधु पाकिस्तान में चली जाती है और यहाँ पे लगभग सतलज है, तो इनके बीच का जो मैदानी क्षेत्र है वो जो है पंजाब हिमालय में आता है। उसके बाद आता है कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। तो कुमाऊँ हिमालय में सतलज से लेकर यहाँ से लेके काली नदी तक, काली नदी नेपाल और भारत की सीमा बनाती है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास जो है वहीं से भारत में एंट्री करती है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको जो है कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काली नदी तक। अब जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है नेपाल हिमालय, तो ये काली नदी से यहाँ से शुरू होगा और तीस्ता तक जाएगा। तीस्ता बंगाल की एक नदी है, तो ये तीस्ता तक जाएगा, और ठीक है उसके बाद जो है तीस्ता के बाद जो है असम हिमालय शुरू होगा तीस्ता से दिहांग तक। दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल और असम में, तो यहाँ जो है दिहांग तक इसका विस्तार उपस्थित है। तो ये चारों जो है वर्गीकरण किया गया है पश्चिम से पूरब के तरफ, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। वहीं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिहांग नदी असम हिमालय के सीमांकन करती है, देखिए वही सब चीज़ें यहाँ पे रिपीट की गई है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड अर्थात गार्स के बीच के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेते हुए हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेते बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा में के साथ फैल जाती है, ठीक है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैलों से हैं से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई
पटकाई बूम वैसे इसका पूरा नाम है, उसके बाद नागा, उसके अलावा जो है मिजो और मणिपुर पहाड़िया शामिल है। ठीक है, चलिए ये इसमें एक दो चीज़ें और थी काम की, जैसे कि ये यहाँ पे शब्द किया गया है घने जंगलों में ढकी हुई है। घने जंगलों में जब हम सिक्स क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि जो ईस्टर्न हिस्सा है भारत का, जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे जो है वर्षा की जो मात्रा है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 प्लस। ठीक है, तो इस कारण से जो है वहाँ पे जो है वन जो है बहुत ज़्यादा घने होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। ये फैक्ट भी आपके लिए जानना ज़रूरी था क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं। वर्षा की मात्रा भी उधर से, जैसे जैसे हम बिहार आएंगे या यूपी आएंगे या दिल्ली पहुंचेंगे, तो वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। ठीक है मित्रों, चलिए नमस्कार।